देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड, और पूछता है उत्तराखंड आज क्या पूछता है उत्तराखंड, ये कि हरक का गेम प्लान क्या है। हरक सिंह रावत, उत्तराखंड की सियासत में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। हरक जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, ठोक बजाकर, सत्ता किसी की भी रही, हुकूमत किसी की भी रही, हरक के तेवर सियासत में सुर्खियां बटोरते रहे। अब हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चा का विषय है। मसला वही पुराना है, 2016 की बगावत, रावत की बगावत। तब हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोला, बीजेपी में शामिल हुए, अपनी विधानसभा को छोड़कर, मतलब जो विधानसभा जितनी भी रही छोड़कर कोटद्वार में चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, विधायक बने, मंत्री भी बने, हां मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रहा। लेकिन अब चर्चा यह है कि हरक कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। वैसे ये चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के पहले कई नेता और विधायक दल बदल कर रहे हैं, और इन्हीं दल बदल के खेल में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर अटकलें फिर से तेज हो रही हैं। जानते हैं क्यों? इसके पीछे वजह कुछ और भी है। वजह है लोक गायिका सोनिया आनंद रावत का कांग्रेस का हाथ थामना। सोनिया आनंद को रावत का भरोसेमंद माना जाता है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि 2016 में तत्कालीन सरकार, हरीश रावत की सरकार को गिराने में रावत ने, जो हरक सिंह रावत ने जो अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ हरीश रावत के सामने जो दूसरा धड़ा है, दूसरा धड़ा, वो ये चाहता है कि हरक सिंह रावत के साथ साथ और भी जो 2016 में बागी हुए थे नेता, उनकी घर वापसी करवा ली जाए। चुनाव में हर सीट अहम होती है, इन नेताओं का ये तर्क है, और भविष्य को देखते हुए निर्णय ले लेना चाहिए। ये तो बात रही कांग्रेस के घर की। लेकिन हरक सिंह रावत की सियासत को जितना समझें उतना उलझेंगे। भले ही वो एक सीट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते, वो हर बार अपनी सीट बदल लेते हो, लेकिन चुनाव जरूर जीतते हैं, ये भी एक खासियत है। 10 दिन पहले उनको बता दीजिए किस सीट पर चुनाव लड़ना है, वैसे वो सीट तय कर लेते हैं। लेकिन अब हरक सिंह रावत के मन में क्या है? गेम प्लान का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? अपने मेहमानों की तरफ हम रुक करें, लेकिन उससे पहले इस गेम प्लान का जिक्र इसलिए है क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि हरक सिंह रावत ना सिर्फ अपने करीबियों के लिए टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस में, जो सूत्र बता रहे हैं, बल्कि अपने परिवार वालों के लिए भी टिकट की चाह रखते हैं। यानी जो बागी नेता घर वापसी करेंगे उनकी टिकट तो कंफर्म हो ही हो, लेकिन इसके साथ साथ अपने परिवार के भीतर दो चेहरे हैं जिसको लेकर वो टिकट की मांग कर रहे हैं। ये सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, हवाएं तैर रही हैं। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो जूते की नोक पर मंत्रालय रखने वाले हरक सिंह रावत ही जाने। कहते थे ना, मेरे जूते की नोक पर मंत्रालय, मंत्री जब चाहे तब बनूंगा, कहकर बनूंगा, और भी कई, धारी देवी की कसम, और कई ऐसे बयान हैं। लेकिन अब सवाल यही कि क्या वाकई में हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़ देंगे और कांग्रेस में हरक सिंह रावत एक बार फिर से वापसी करेंगे? सवाल अपने आप में बड़े हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जो आज इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे सीमा डोरा, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, साथ ही साथ सूरज सिंह नेगी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उमा सिसोदिया, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा मैडम, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये कौन शख्स है, ये कौन धुरंधर है जो हरक सिंह रावत को लेकर, समझ रहे ना, हरक सिंह रावत को लेकर इस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है कि हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़ रहे हैं, हरक सिंह रावत अब चले जाएंगे, हरक सिंह रावत जो हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। ये कौन है सीमा मैडम जो अफवाहें फैला रहा है, इस खबर की पुष्टि करिए। देखिए, जैसे आपने खुद ही बोल दिया, अफवाहें हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है, जब श्योरिटी नहीं है तो फिर उस बात का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब ये लोगों को मानना है कि इस तरीके से कर करके चुनाव में एक लाइमलाइट बना दी जाए किसी के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ अभी सुनने में नहीं आया है, ना ही हमारे कभी संज्ञान में है, और जहां तक मुझे लगता है कि आपके भी संज्ञान में नहीं है, सिर्फ ये र्यूमर है। और र्यूमर मेरे संज्ञान में क्या है मैडम, बताऊं मैं? मैंने 15 दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी, 15 दिन पहले, नोट कर लीजिएगा, 15 दिन पहले मैंने खबर ब्रेक की थी कि बीजेपी के 3 नेता जो बागी हुए हैं 2016 में, वो कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद हरीश रावत ने कहा, क्या कहा था, मगरमच्छ वाला ट्वीट। वो खबर मैडम मैंने ही ब्रेक की थी 2016 में, जब हरक सिंह रावत विधानसभा के अंदर इस्तीफा देने वाले थे बागी विधायकों के साथ, वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी। विजय बोगुड़ा मुख्यमंत्री बनने वाले थे कांग्रेस में, वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी। और धामी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी, जब पूरा उत्तराखंड के भीतर सब चिल्ला रहे थे कि ये बनेगा मुख्यमंत्री, वो बनेगा। वो मैंने 2 दिन पहले ब्रेक की थी कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं अब आपसे यही पूछ रहा हूं, मेरे जो सूत्र हैं वो आपके घर के ही हैं, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए। और हरक सिंह रावत की गारंटी ले रहे हैं आप, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, गारंटी देखिए किसी की भी नहीं, गारंटी हम अपनी नहीं ले सकते कि समय क्या कुछ करा दे किसी से, वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो नहीं जाएंगे कांग्रेस में, जिस तरीके से उनके बयान थे, अभी जो उन्होंने मांगा उनको मिल गया, अब क्या? ना 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 मैडम, कहां उन्होंने मांगा उनको मिल गया, उन्होंने जो मांगा वो मिला ही नहीं। मेडिकल कॉलेज मांग रहे थे। देखिए, राजनीति है, जनहित के लिए काम करने के लिए अगर आप कुछ हरक सिंह रावत को आप इतना ही समझ पाए कि वो मेडिकल कॉलेज मांग रहे थे? आपने बहुत कुछ कह ही दिया शुरू में। सीमा मैडम जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। पता है ना कांग्रेस में किसकी एंट्री हो गई है जी? देखा आपने वो तस्वीरें? देखिए, अगर कोई जाता है ना तो बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, आपको पता है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और अगर चले, वैसे तो मैं ही कहती हूँ वो नहीं जा रहे हैं, और बहुत ही और अगर कोई किसी ने जाना होगा तो कोई रोक नहीं सकता ना, रोक नहीं सकता ना, और किसी के जाने ना जाने से कोई कमी नहीं आ जाती, बहुत होते हैं उनके पास भी, हमारे पास भी। अच्छा, एक वृट वृक्ष है पूरा का पूरा। हरक सिंह रावत से बड़ा नेता है आपके पास? हरक सिंह रावत से बड़ा नेता? देखिए, कार्यकर्ता बोलिए आप, कार्यकर्ता, नेता जैसे शब्द मत बोलिए, क्योंकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से कार्यकर्ता ही नेता है। हरक सिंह रावत को आप कार्यकर्ता बोल रही हैं? आप हरक सिंह रावत को भाई मैं तो कहती हूँ कि कार्यकर्ता ही नेता, भारतीय जनता पार्टी में तो प्रधानमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता ही बोलते हैं, ठीक है? तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक हमें लगता है ऑफिशियली कुछ नहीं डिक्लेयर हुआ, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो फिर मैं नहीं कह रहा मैडम, मेरे को तो आपके घर के सूत्र ही बताते हैं, जो बताते हैं मैं वो ही बोल देता हूँ। सूरज सिंह नेगी जी, मैं उमा जी के पास जाऊं, जरा मसला मैं समझ लूं, ये कौन अफवाहें उड़ा रहा है? सूरज जी ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जाते हैं तो जाए, लेकिन वो 2016 में जो खंजर घोपा था पीठ के पीछे, सूरज जी याद है या भूल गए? वो खंजर, वो जख्म भूल गए कि याद है, या याद दिलाऊं? देखिए तिलक जी, ये सर्व विदित है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ लोग जो है धोखा दे करके, आपका कहना ठीक है कि खंजर भोंक करके पार्टी छोड़ गए थे,
और अब 4.5 साल पौने 5.5 साल बाद उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कुशासन से त्रस्त है सर, ये डायलॉग बाजी और छोड़िए, नेताओं को लग सीधा रहा है कि मुद्दे पे भारतीय आइए जनता पार्टी सर, ये सत्ता में नारेबाजी वापसी बाजी नहीं थोड़ी ना। करेगी। हरक सिंह रावत की इसलिए वापसी के लिए आप तैयार हैं? हरक हरक और हरक एंड टीम, मैं हरक एंड टीम बोलता हूं। वो कहते क्यों बोलते हो हरक एंड टीम? मैं इसलिए बोलता हूं कि हरक एंड टीम मतलब जो बागी हुए थे, वो बगावत का झंडा उठाया था, वो हरक एंड टीम है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हरक एंड टीम की वापसी के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और जिस प्रकार से देश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी आयातित नेताओं के सहारे सत्ता पर काबिज हुई है और पूरा मंत्रिमंडल जो है आधा कांग्रेस से गए हुए लोगों का भारतीय जनता सूरज जी, पार्टी में आप रहा कौन सी है। नई बात बता रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हरक सिंह रावत की वापसी के लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं? थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है भाई साहब, तिलक अच्छा जी मेरी आपकी आवाज कम आ रही अच्छा है, अच्छा कुछ मेरी आवाज कम आ टेक्निकल। रही है। हरक सिंह रावत की वापसी के लिए तैयार हैं या फिर नहीं? इच्छा है कि नहीं मन में? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी कहा है कि अगर वो लोग अपने किए हुए पर जो 2016 में उन्होंने किया उसके लिए अगर जनता से माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई है तो कांग्रेस पार्टी जो है उनको माफ कर देगी और अच्छा, कांग्रेस पार्टी उनको वापस ले लेगी। हरक सिंह रावत से ऐसे कई माफी लोग जो मंगवाना है, चाह रहे हैं आज आप आप? देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की जनता का और नेताओं का मोह भंग हो रहा है और अच्छा, वो टकटकी लगाए हुए कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। आप माफी मंगवाना चाह रहे हैं तो हरक सिंह इस रावत तरीके से से? जो है लोगों का आना जाना कांग्रेस में निरंतर बढ़ता जा रहा है। नहीं, मानचंद जी सूरज जी, भारतीय सूरज जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे, वो कांग्रेस में आ गए, कई सूरज जिला जी, पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये दिखा रहा है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस में बढ़ रहा सूरज है जी, आप तो और नारेबाजी तमाम करने लगे। जनों मैं से हरक लोग पे जो है चर्चा कर रहा हूं, आप छोड़ छोड़ के नारे लगा रहे कांग्रेस हैं। में आ रहे हैं। नहीं, मैं नारेबाजी नहीं, हरक पे चर्चा कर रहा हूं, आप नारे लगा रहे हैं, वो आ गया, ये आ गया, वो अब ये वो आ गए, वो अलग बात है। हरक सिंह रावत अगर आ रहे हैं वो बड़ी खबर है साहब, ये वो तो आते जाते रहेंगे। हरक सिंह रावत का मतलब समझते हैं? या अभी आगे समझाऊंगा मैं, जी खैर। निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत एक बड़ा चेहरा है अच्छा, यही तो सुनना चाह रहा था मैं, बड़ा चेहरा और है, बहुत बड़ा चेहरा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं उमा जी। नहीं, बड़ा चेहरा तो है ही। नहीं, अभी बताता हूँ सर, अभी बताता हूँ, अभी याद दिलाऊंगा। उमा जी, सुना आपने, बीजेपी जी कह रही है कि अफवाह मत फैलाओ, तुम अफवाह फैला रहे हो। वो कह रहे हैं कि आए तो हम रोक थोड़ा पाएंगे, बस माफी मांग ले। अब हरक सिंह रावत से माफी मंगवा रहे हैं, बताइए, हरक सिंह रावत से कह रहे कि माफी मांग लो? सूरज जी, नाम नोट हो जाएगा, नाम नोट बता रहा हूं मैं देखिए आपको, माफी देखिए मत हमारे मंगवाइएगा नहीं हरक सिंह नहीं रावत से, हमारे गलती कर रहे हैं आप ये। ओके उमा जी, क्या लगता है आपको, हरक का गेम प्लान क्या है, आपके क्या सोच है? देखिए हरक सिंह रावत जी का इस समय बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाना अपने आप में ये बताता है कि जो वो बीजेपी में चाह रहे थे वो वहां पर उनको एक्चुअली मिल नहीं पा रहा। उन्होंने अपने करीबियों के लिए टिकट मांगे, अपनी बहू के लिए जो उनका टिकट का प्रयास है वो जग जाहिर है। वो लगातार उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि मेरे साथ साथ मेरी जो पुत्र वधु है उनको भी टिकट दिया जाए और दो चार छह जो भी उनके करीबी रहे होंगे उन सब लोगों को भी टिकट दिया जाए। उसका पूरा प्रेशर उन्होंने बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स करके उन्होंने इनको बनाने का प्रयास किया है। मोदी जी का जब केदारनाथ दौरा था उससे पहले भी हरक सिंह रावत नाराज रहे, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया और मोदी जी के साथ मतलब उनको ठीक उनके रिलेशन करने की कोशिश की गई। जब आपके अमित शाह जी जब यहाँ पर आए तब भी हरक सिंह रावत नाराज थे। फिर एक फोटो आया कि हरक सिंह रावत जी और अमित शाह जी एक ही टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हमें भी लगा कि चलिए फिर सब कुछ ठीक हो गया। अभी ये कोटद्वार के मेडिकल कॉलेज को लेकर जो प्रकरण हुआ, मतलब तमाम पिछले 6 महीने से हरक सिंह रावत जी ने पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरह बीजेपी के ऊपर बनाई हुई है। लेकिन
अभी मैं सीमा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारे बड़े लीडर्स वहां पर है, तो शायद हरक सिंह रावत जी की जो ये स्ट्रेटेजी है वो वहां पर कामयाब होती नहीं उनको नजर आ रही, तो उनके पास एक ऑप्शन बचा वापस घर वापसी करने का। और घर वापसी में भी आप सिंपल देखिए, हरीश रावत जी के ऑपोजिट जो दूसरा पक्ष है, प्रीतम सिंह जी का जो पक्ष है, वो बिल्कुल चाहेंगे कि हरक सिंह रावत और उनके साथ के जितने लोग हैं वो कांग्रेस में आ जाए, ताकि वो जो हरीश रावत जी है उनको बैलेंस कर पाए। क्योंकि जो ट्विटर विवाद हुआ उसके बाद हरीश रावत जी एक सर्वमान्य नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में कांग्रेस में उन्होंने मतलब अपने कद को पाया है, तो प्रीतम सिंह जी वाला जो ग्रुप है वो चाहता है कि हरक सिंह रावत और ये वाला जो ऑपोजिट ग्रुप है ये उनके साथ आ जाए, तो प्रीतम सिंह जी जो लॉबी है वो मजबूत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो बैलेंस होगा शक्ति का, वो बैलेंस कांग्रेस भी करना चाहती है। सीमा जी बात है शक्ति, सीमा मैडम मैं नहीं मुस्कुरा रही हूँ। आप नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या जनता पागल है कि एक एक नेता इधर आ जाता है फिर उधर चला जाता है और उसको वो जिता देगी। अब ये जनता को सोचना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के लिए, मैं उनकी बात नहीं कह रही हूँ, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, एक तरफ हम कहते हैं परिवारवाद नहीं करना है, और दूसरी तरफ अगर कोई भी नेता परिवारवाद के लिए किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है तो उसको सबक कोई और नहीं सिखा सकता, सिर्फ जनता सिखा सकती है। जनता कि हमें परिवारवाद को नहीं, 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 नहीं। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, मैं तो प्रणाम करता हूँ उत्तराखंड की जनता को। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ सीमा जी, अब जो आप दुहाई दे रहे हैं ना परिवारवाद की, नोट करिएगा गलत बोलूं तो, एक अभी अभी गए हैं वापस आपको छोड़ के, वो जब आए थे तो इसी शर्त पर आए थे कि मैं और मेरे बेटे का टिकट होना चाहिए। अब छोड़िए वो एनएच वेनएच छोड़िए, आए थे ना रातों रात आए और सुबह टिकट का ऐलान हो गया था उनका भी और उनके बेटे का भी, वापिस चले गए। कौन से परिवारवाद की बात कर रही हैं आप? मैं अब वही सवाल पूछ रहा हूं, हरक सिंह रावत अगर छोड़ के जाते हैं बीजेपी को, दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को? मैंने क्या बोला कि बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, और अगर किसी ने ठान ली, हम तो ये कहते हैं कि वो जा ही नहीं रहे, मेरी तो यही मानना है कि वो नहीं जा रहे, लेकिन अगर कोई जाता है तो क्या कोई किसी को रोक सकता है? आपने पहले भी बोला था, मैं फिर पूछ रहा हूँ, गारंटी ले रहे हैं आप हरक सिंह रावत की? नहीं, कोई गारंटी नहीं, गारंटी किसकी क्या ले, यही तो सवाल है, वो जा रहे हैं, यही सवाल है उमा जी। हरक सिंह रावत की गारंटी खुद बीजेपी के नेता क्यों नहीं लेते मालूम है आपको? क्योंकि उनके विधानसभा के लोग भी उनकी गारंटी नहीं लेते, वो जानते हैं अगली बार नई विधानसभा, अगली बार नई विधानसभा। उमा जी मैंने गलत कहा? सूरत आपके पास हरक सिंह रावत जी की एक बारे में तो तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जन नेता है, वो जिस विधानसभा में खड़े हो जाए वो जीत जाते हैं, वो कैसे जीतते हैं, उनके जीतने के क्या क्या कारण होते हैं, उसके ऊपर एक थीसिस लिखी जा सकती है कि बता दीजिए ये गुण एक नेता में होने मुझे चाहिए। भी बता दीजिए, रुद्रप्रयाग में तो देख कर आया था मैं, मुझे भी बता दीजिए मैडम, उमा मैडम मुझे भी बता दीजिए कैसे जीतते हो? ये तो आप पत्रकारों के लिए शोध का विषय हुआ नहीं, मैं शोध कंप्लीट कर चुका हूँ, वो शोध मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों के सामने, मैं रुद्रप्रयाग में देख कर आया, जब साढ़ू भाई, जब दो साढ़ू भाई आपस में लड़े थे। हरक सिंह रावत जी की धन और बल की जो राजनीति है वो उनको किसी भी विधानसभा से जिता देती है, वो वाकई में जनप्रिय नेता है, लोग उनको पसंद करते तभी उनको वोट देते होंगे। उसके बाद उनके सारे जो भी उनके भ्रष्टाचार के केस है या जिस भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते रहते हैं, जनता को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है हरक सिंह रावत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, इस बार हमारे यहाँ से चुनाव जीतना है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत ही पॉपुलर है और अपनी बात मनाने का उनको बहुत अच्छे से आता है कि मुझे अपनी बात कैसे मनानी चाहिए, लेकिन बात ये होती कि अपनी बात अगर आप जनहित के लिए मनाए तो बहुत अच्छी बात है, और अपने स्वार्थ के लिए मनाए तो वो ठीक नहीं है। हरक सिंह रावत स्वार्थी है? नहीं, वो स्वार्थी नहीं, मैं तो एक जनरल बात कह रही हूँ। नहीं, मैं जनरल बात, वो धन सिंह रावत का बयान थोड़ी ना सुना रहा हूँ मैडम, पुराने वाला है ना, तो वो छोड़िए, आप लोगों के घर की बात है, या दिलीप रावत जी का बयान सुनाऊं लैंस डाउन वाला, वो आप लोगों के घर का मसला है, वो छोड़िए उस बात को, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था। बात की पुष्टि ना? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो धन सिंह रावत जी जाने और हरक सिंह रावत जी जाने, वो दिलीप रावत जी जाने और फिर हरक सिंह रावत जी जाने, वो हरीश रावत जी जाने और फिर जो हरक सिंह रावत जी जाने, खैर हरक सिंह रावत जी को कोई भी जाने वो एक बड़ा सवाल है। पहली जो उमा जी ने कही, उमा जी मैं सूरज जी के पास जाऊँ, लेकिन एक मेरे मन में जिज्ञासा हुई आपसे एक सवाल पूछने की। देखिए
जो शख्स प्रदेश अध्यक्ष रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा, मंत्री रहा और हर साल कम उम्र में भी मंत्री, वो जैनी प्रकरण छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, फिर उसके बाद मंत्री की भूमिका, फिर मंत्री की भूमिका, धारी देवी की कसम भी छोड़ दीजिए जूते की नोक पर मंत्रालय, देखिए उनको मंत्री तो बनना नहीं, उनकी ख्वाहिश क्या है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनना, बिल्कुल सही पकड़े। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उमा जी कुछ विचार करें? इतने बड़े कद के नेता हैं कि आप लोग विचार करें कि अगर आते हैं तो वेलकम, आइए हरक सिंह रावत जी, आपकी हम यहाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे, ऐलान करते हैं, हो सकता है? देखिए मैं आपको बिल्कुल इस बात पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि लगभग एक साल पहले ये चर्चा चली थी कि हरक सिंह रावत जी और ये सभी लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आज उनकी अफवाह है, ऐसी कुछ अफवाह हमने भी सुनी थी और फिर ये जो हल्के राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चाएं चली थी, लेकिन वो जो मामला था वो सिर्फ उठा और शांत हो गया। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो हम लोग एक, हमें बहुत बड़े बड़े कद के नेताओं की आवश्यकता नहीं है। हमने खुद दिल्ली में देखा है कि हमारे यहाँ सामान्य लोगों को जो चुनाव लड़े और उसके बाद वो नेता के रूप में सामने आए। और जब हम बात करते हैं ईमानदारी की, जब हम बात करते हैं शुचिता की, तो हरक सिंह रावत जी जैसे, क्योंकि उनको मैं समझती हूँ कि भ्रष्टाचार के इतने आरोप उनका रहे, ठीक है उनको आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन वो आरोपित व्यक्ति हैं, तो उस तरह की छवि के व्यक्ति का आरोप, देखिए आपके नेता के खिलाफ क्या बात बोल रही हूँ, आपके नेता तो अभी तक तो है ना, वो कह रहे भ्रष्टाचारी के आरोप लगे, लगे क्या हरक सिंह रावत पर? पहले लगे, हमारे पास आने से पहले लगे होंगे, हमारे आने पे नहीं लगे, जब तक हमारी पार्टी में आए तब से कोई उनके ऊपर आरोप नहीं। वैसे भी बीजेपी में तो सब आके गंगा नहा जाते हैं, सबके आरोप साफ हो जाते हैं, जब तक कांग्रेस में थे आरोपी थे। मैडम बीजेपी है ही गंगा, विशाल गंगा ही है, इसमें आके आपको पवित्र होना ही है। हमारे मोदी जी तो ये कहते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, हर तरह का पतन दीजिए उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी का तो कथन ही यही है, तो जब जो नहीं खा पाएगा वो भागेगा, जो खाए जो साफ सुथरी राजनीति करेगा वही यहाँ पे सेटल हो सकता है। नहीं नहीं, जो खाएगा वो भाग जाएगा, जो नहीं खा पाएगा भाग जाएगा, मतलब आप क्या कमेंट कर रहे हैं? उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जब इन्होंने बोला गंगा है, तब मैंने बोला कि हाँ बीजेपी में तो ऐसे ही लोग रह सकते हैं जो शुद्ध और पवित्र विचारों के होंगे, जो जनहित में काम करना चाहेंगे, जो जनमानस के हित के लिए ही काम करने के लिए राजनीति में आए होंगे। अच्छा अच्छा ओके, सूरज जी मेरा ऑडियो आ रहा है ना सर आपको? जी मैं कुछ शब्द पढ़ रहा हूं, शब्द ध्यान से सुनिएगा, बिकाऊ बिकाऊ, गद्दार गद्दार, धोखेबाज धोखेबाज, दगाबाज। सर ये आपके नेता बोल रहे थे 2016 में इन्हीं को लेकर, याद है? भूल गए? नहीं नहीं बिल्कुल याद है, याद है ना। और जो 2016 की घटना थी उसमें इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल उचित था। अच्छा, और आज की परिस्थिति में माफ कर, अगर हरक सिंह जी कहते हैं, समझते हैं कि उनसे गलती हो गई और उन लोगों ने उस समय गलती की कांग्रेस की सरकार को कमजोर करके, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है। और जिस जनता ने उनको जिताया था उस जनता के साथ भी ये अपमान है उस जनता का। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी देख लिया है, मंत्री पद पर रहते हुए भी किस प्रकार से वो अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं और किस प्रकार से वो वहां पर विकास कार्यों को अंजाम नहीं दे पाए। विकास कार्य ये उनके जहन में है, विकास कार्य उसको देख करके अगर उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कौन से विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां काम करने के लिए फ्री हैंड है, अच्छा तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के कार्यकाल के विकास को और भारतीय जनता पार्टी के विकास की तुलना करके अगर उनको लगता है कि कांग्रेस में रह करके जनता की सेवा बेहतर तरीके से की जा सकती है, सेवा तो उन्होंने मन बनाया होगा। विकास कार्य उनकी वापसी की बात है तो ये तो हरक सिंह रावत जी जाने या हमारा हाईकमान जाने, सीमा जी उनकी वापसी होनी है या नहीं होनी है, क्या घोटन हो रही होगी? विकास कार्य समझाइए जरा इनको, विकास कार्य की परिभाषा क्या होती है?
ये कह रहे हैं हरक सिंह रावत विकास कार्य नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से घोटाला हो रही है। विकास कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी मना नहीं किया किसी को, विकास कार्य के लिए हमेशा दरवाजे ओपन रहे हैं, जनता के लिए हित के लिए तो हम आए हैं, विकास ही तो हमारा मेन उद्देश्य है, तो फिर उस विकास कार्य के लिए तो कोई किसी को घुटन हो ही नहीं सकती। उमा मैडम, क्या यही राजनीति, यही राजनीति का परिवर्तन हो रहा है, यही परिवर्तन की राजनीति है? ये कांग्रेस में गए, बीजेपी में आए, ये बीजेपी में गए, ये कांग्रेस में आए। देखिए, हमारे यहाँ पिछले 16 में जो एक वर्ग विधायकों का जो उभरा है, ये 8-9 विधायक जो हमारे उभर के आए हैं, जब इन्होंने हरीश रावत जी की सरकार गिराई तो बीजेपी के विजय वर्गीय जी चार्टर्ड प्लेन के साथ यहाँ पर आए, बस में सारे विधायकों को किया, आरती उतारते हुए लेकर के बड़े सम्मान के साथ बीजेपी में उनको शामिल कराया, क्योंकि साफ दिख रहा था कि हरीश रावत जी की सरकार गिर जाएगी, और वो गिर भी गई। और 2017 में हरीश रावत जी की जो कांग्रेस है वो 11 में के विधायकों पर सिमट गई, तो जो स्ट्रेटेजी बीजेपी ने इन विधायकों के साथ अप्लाई की थी उसमें पूरी तरह से कामयाब हुए। उसके बाद जब ये लोग प्रेशर की राजनीति करते हुए मंत्री पदों तक भी पहुंच गए, खासतौर पर हरक सिंह रावत जी उस पूरे गुट के अगवा बने रहे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बीजेपी का जो संगठन है उसमें आरएसएस की जो लॉबी है वो थोड़ा सा ज्यादा हावी होती है, सभी को पता है। वहां पर जो बड़े पद दिए जाते हैं, जो बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं, जो काम करने की जो सहूलियतें आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों को होती है, वो कांग्रेस बैकग्राउंड के लोगों को या किसी भी अन्य दल के आए हुए लोगों को वो स्थान नहीं मिलता जो ऑलरेडी पुराने कार्यकर्ताओं को बीजेपी में मिलता है। तो वहां पर इन लोगों को घुटन स्टार्ट हो गई, जितनी आसानी से वो कांग्रेस पे अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स चला लेते थे बीजेपी में चला नहीं पा रहे हैं। सीमा जी, क्या क्या दिक्कत है, क्या गलत बोला उमा जी ने? नहीं नहीं, देखिए आरएसएस एक अनुशासन के लिए है, आरएसएस कहीं कोई ऐसी दखलअंदाजी नहीं करती कि लोगों को काम ना करने दिया जाए। मैंने कहा ना, बीजेपी का मेन उद्देश्य विकास करना है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, तो हम उस पे विकास पे तो देखिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, करप्शन हम किसी को करने नहीं देते, चाहे आरएसएस भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए कि अनुशासन चाहिए बीजेपी में, अनुशासन को लागू करने के लिए ही आरएसएस का हाथ होता है हमेशा, लेकिन किसी को रोका नहीं जाता विकास कार्य के लिए, रोका नहीं जाता। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, उमा जी को लगता है कि उनका दम घुट रहा था बीजेपी में? नहीं, बिल्कुल उनका दम घुट रहा था, जिस तरीके से ओपन तरीके से वो लोग कांग्रेस में काम कर पा रहे थे उतनी ही ओपननेस उनको बीजेपी में नहीं मिली। और हम पिछले 6 महीने से अगर हरक सिंह रावत जी, उमेश शर्मा काऊ जी और जितने तमाम दूसरे नेतागण जो कांग्रेस से वहां पर गए थे उनके कार्यकलापों को देखें तो हम साफ जाहिर होता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बीजेपी पर बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो संगठन है एक हद के बाद उन्होंने इन लोगों को बिल्कुल मना कर दिया कि इस सीमा के बाद हम आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो नहीं झेलेंगे। हरक जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, चर्चा इस बात की भी है। आप बताइए, आप कह रही है जाते हैं तो जाएं, आप कह रही है जाते हैं तो जाएं, अकेले नहीं जाएंगे, इस बात में मैं शर्त लगा सकती हूँ कि हरक सिंह रावत जी अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ उनके खास जो 4-5 लोग हैं वो सारे एक साथ जाएंगे। ये सत्ता की जो, मैं इस बात को नहीं मानती, आप नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, नहीं, जो हमारे बहुत ही अच्छे याद दिलाऊं कुछ है, जो याद दिलाऊं आपको, उत्तराखंड की सियासत का एक और अध्याय भी है, एक और अध्याय आप लोगों ने सबने सुना भी होगा और देखा भी होगा। ये सत्ता की जो भूख है ना उत्तराखंड में, वो पीडीएफ हुआ करता था, कोई एक पीडीएफ याद है आप लोगों को, पीडीएफ जो हरीश रावत के शासनकाल में निर्दलीय विधायकों ने इकट्ठे होकर बनाया था, विजय बोगणा के शासनकाल में, याद आया आप लोगों को? सीमा मैडम जी, ये वो वाली पत्रकारिता नहीं है मैडम। मैंने तो राजेंद्र भंडारी को FIR में निर्दलीय होते हुए इंटरव्यू किया था, जब आपकी खंडूरी सरकार को उन्होंने समर्थन का ऐलान किया था। मैं तो उस दौर की सियासत की भी बात कर लूंगा आपसे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं हरक सिंह रावत की गारंटी मत लो मैडम, मतलब ये उत्तराखंड की सियासत है, हरक सिंह रावत की गारंटी हरक सिंह रावत के क्षेत्र की जनता भी नहीं लेती, आप गारंटी ले रहे हैं यहां पे बैठ के।
और देखिए मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी कि हरक सिंह रावत जी चूंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो मंत्री पदों पर रह चुके हैं पिछले कई बार से, और कांग्रेस ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा डिसाइड नहीं किया, और हरीश रावत जी ने जो ट्विटर डिसाइड नहीं किया, जो विवाद हुआ उसके बाद उनको लग रहा था कि सूरज जी, उमा मैडम देखिए क्या फैला रही हैं, कह रही हैं कि हरक सिंह रावत को लेकर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हरीश रावत का चेहरा ऐलान नहीं हुआ, ये क्या अफवाह फैला रही है मैडम, ऐसा है क्या सूरज? अफवाह नहीं फैला रही है, हमारा एनालिसिस है ये, जो अगर 4-5-7 विधायक, देखिए मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही होगा, मैं राजनीतिक रूप से इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि चूंकि हरीश रावत जी का अभी तक वहां पर चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ, प्रीतम सिंह लॉबी जो है वो बहुत अगेंस्ट है हरीश जी के, ये सारी लॉबी प्रीतम सिंह जी के साथ जाएगी और कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा कि जवाब दीजिए सूरज सिंह ने चेहरा पेश कर दिया है। देखिए उमा जी, पहले तो आप ये कांग्रेस को लॉबी में बांटना छोड़ दीजिए, भाई हमने कहा लॉबी में कौन चेहरा है, कौन चेहरा है वहां पर, एक दूसरे के ऊपर आप लोग मार पिटाई करते हैं, दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं, हमने कहा लॉबी में बांटा, आप अपनी कांग्रेस अपने आप संभालिए। नहीं नहीं, आप ये लॉबी वाली बात आप मत करिए, आप मत करिए मैडम, कोई लॉबी नहीं है, कांग्रेस पूरा एक संगठन है, और कहीं अगर परिवार के लोगों को बीच में थोड़ा बहुत होता है, टूटा बिखरा संगठन इसको कहते हैं, ये संगठन है, कुछ भी कह सकती है, पर हमारा संगठन है, ऊपर पूरे देश में संगठन है, और ये आप संगठन बोलते हैं तो पता नहीं संगठन संगठन की परिभाषा नहीं जानते फिर आप। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी में सब चीजें तय हैं, और किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जो है कांग्रेस में तय है, यहाँ का कोई ढील ढाल वाली बात नहीं है। वही तो वो कह रही हूँ मैं मैडम, लटका वो सीमा मैडम, वही तो कह रही है कि टूटा फूटा संगठन, वो कह रहे हैं WWE वाली फाइट देखी है उन्होंने, नहीं अगर टूटा फूटा संगठन है, राजपूत रोड पर पता क्या है, मैं आपको बताऊं, इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को कांग्रेस में शामिल होने की क्या जरूरत है, अगर कहीं कांग्रेस में इनको लगता है कि इनकी दृष्टि में टूटा फूटा हो सकता है, पर इनके मंत्रियों को अच्छा संगठन लग रहा है और जनता की आशा की किरण लग रहा है संगठन, तो इसलिए जो है ये कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा दे हैं, पर देश की जनता जान रही है, प्रदेश की जनता जान रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मंत्री लोग मंत्री पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो ये तो इनको सोचना चाहिए, टूट फूट तो इनका संगठन रहा है, तमाम जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनके पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनके पास तो नेता नहीं थे, ये यहाँ से आयातित करके नेता ले गए, और तब इन्होंने 2000 सरकार बनाई, बस यही काम आता आप लोगों को और कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, हमको तभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्या नहीं आता है, आप ये बताइए कि आपको क्या आता है, आपको कुछ नहीं आता, सच बात है, विकास करना आपके बस की बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये जो देश में विकास है ये आप ही ने तो किया है, 5-7 साल में आप आई है, तब आप तक ये विकास हुआ है, यहाँ तक पहुँचा है, जनता पार्टी ने केवल आप ही ने किया है, आप लोगों ने कुछ नहीं करा, आप लोग आते हैं भड़काते गुलाम लोग, अंग्रेजों के गुलाम भाई हमेशा, और अंग्रेजों की राजनीति आज यहाँ पर भी कर रहे हैं, भड़काना इस देश को आजाद कराया, लोगों को इस देश के नवनिर्माण का कार्य शुरू किया, और जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी आज इतने बड़े बड़े विकास यहाँ पर हो रहे हैं, वो आपकी दया दृष्टि से नहीं, हमने करे कांग्रेस की नियुक्ति रखी हुई है, आप कितने कांग्रेस ने नियुक्ति रखी है इस देश की, आपने ले कर आए जो है आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप लोग तो केवल बेच रहे हैं, इतने ऑर्गन्स आगे आपने दिए उनको, केवल बेच रहे हैं देश को, देश के तो कड़ाइया बना रहे आप बेच रहे हैं, रेलवे आप बेच रहे हैं, संचार व्यवस्था आप बेच रहे हैं, आप बैंक भी आप जो है प्राइवेट करने जा रहे हैं, तमाम मुद्दे पर फैक्ट्रियां बेच रहे हैं, मुद्दा हरक सिंह रावत आप तो बेच ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, खरीदना और बेचना छोड़िए, अभी खरीदना बेचना छोड़िए, हरक सिंह रावत पर आए, हरक सिंह रावत मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आप लेने के लिए तैयार हैं वो भेजने के लिए तैयार हैं, आप लेने के लिए तैयार हैं वो भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा उत्तराखंड की जनता का, जिन्होंने इनको विधायक बन के चुना, सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, जो कांग्रेस के विधायक टूट के गए वो आधी कैबिनेट में बीजेपी में हिस्सा है, आधी से ज्यादा कैबिनेट वही है, तो कौन से राजनीति के परिवर्तन का हम जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल सीधा और सपाट था। उमा जी जी, क्या ये राजनीति में सुचिता जो है यही संकेत दे रही है
कि जहां दिखे मौका वहीं मार दो चौका। देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की राजनीति की बात करूं तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अलग अलग बिल्कुल दिखाई नहीं देते, इनकी ये बिल्कुल मिक्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल मिक्स दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में, जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में, वो वहां भी मंत्री हैं, वो वहां भी कद्दावर हैं, वो अगर वापस अपने घर पर आते हैं ये कहते हैं घर वापसी हो गई, कुछ दिनों बाद वो वापस बीजेपी में चले जाएंगे, वहां पर कह देंगे घर वापसी हो गई। तो जो एक विचार की जो राजनीति है, जो एक हम लोग कहते हैं कि भाई ये विचारधारा है कांग्रेस की, ये विचारधारा है और ये इनके नेतागण है, ऐसा उत्तराखंड में कम से कम बिल्कुल नहीं दिखाई देता। यहाँ पर कुछ लोगों, कुछ विधायक इस तरह के हैं कि जिनके ऊपर पूरे उत्तराखंड की राजनीति इस समय घूम रही है कि वो जो एक ग्रुप है विधायकों का, वो कांग्रेस में जाएगा या वो बीजेपी में रहेगा, किधर जाएगा, जिधर जाएगा उधर का पंडा भारी हो जाएगा, उधर की सरकार बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो लोग जिताऊ कैंडिडेट हैं। तो ये, और रही बात मतदाताओं की, तो मतदाताओं को तो मतलब वो तो बिल्कुल ठगा हुआ फील करता है अपने आप को। उन्हें पता है कि भाई इन लोगों को जीतना है, उनको वो बार बार जिताते हैं। आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते इन चारों को लेने की? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, आज से एक साल पहले चर्चा आम आदमी पार्टी के लिए भी उठी थी कि आम आदमी पार्टी में आप ये लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको ये बात रखी कि आम आदमी पार्टी की जो एक गाइडलाइन है हम लोगों को कि किनको ज्वाइन कराना है, किनको नहीं कराना, उसमें ये लोग भ्रष्टाचारी मानती है। देखिए, जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो ठीक है कि आरोप अभी सिद्ध नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचारी बोल रही हैं, आरोप जो इतने आरोप भ्रष्टाचार के इनके ऊपर लगे हैं कि उसके बाद आम आदमी पार्टी में अगर हम उनको लेते तो सबसे बड़ा प्रश्न जनता हमारे ऊपर उठा देती कि जिनके ऊपर इतने आरोपित लोग हैं भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी में कैसे अपने। मैडम, आप तो वही बात करिए, कभी किसी से सीमा जी से पूछा या किसी ने पूछने की हिम्मत जुटाई कि आपने इन्हीं के स्कूटर के नंबर गिनवाए थे परेड ग्राउंड पे खड़े होकर, फिर भी आपने इनको ले लिया? किसी की सहारनपुर और सहजपुर में जमीन दिखाई गई, फिर भी आपने इनको ले लिया जिनके ऊपर कई आरोप लगे। मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि जब वो दूसरी पार्टी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में अच्छा, तो सब गंगा में नहा गए, सब पवित्र हो गए, वो तो अभी ना थोड़ी देर पहले बोला ही था। बात गंगा में नहाने की नहीं है मैडम, बात यह है कि आप प्रूफ करें कि बीजेपी में आके इन्होंने क्या किया। अगर इन्होंने बीजेपी में आके भ्रष्टाचार किया होता तो हम जरूर कहते कि वो हमारे पास आके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी में आके हमने उनको करने नहीं दिया। अगर दूसरे दलों में भ्रष्टाचार करें तब तुम्हारे यहाँ छूट है, तब आप हम तो छूटी नहीं देते। आप ये कह रही हैं कि दूसरी पार्टियों में आप कहते हैं कि ये घोटाले बाज हैं और आपकी पार्टी में कोई आता है तो उसका गंगाजल छिड़क के वो पवित्र हो जाता है, यही तो आप कहते हैं। लूटो लूट लो सिंह वाउन का, यही तो आपका चरित्र है कि जो है आप कहते हैं कि कितना भी भ्रष्टाचार करो हमारे यहाँ जाओ हम आपको जो है शरण देंगे, यही है ना आपका सिद्धांत? हमारे यहाँ जाओ तो आप सुधर जाओ, सुधर गए क्या? जो नहीं सुधरा वो भाग गया। इसका मतलब ये हुआ सूरज जी बताइए, मतलब जरा आप भी, आपका मतलब जाने कांग्रेस का मतलब क्या होता है हमेशा? सीमा जी, इतना गुस्सा हो गई आप हरक सिंह रावत को लेकर? हरक सिंह रावत को लेकर नहीं हुई, मैं जानता हूं वो एक अच्छे नेता है और मानती हूँ कि उनको कंट्रोल बहुत जबरदस्त है, वो जहां से जाते हैं जीत जाते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। आज ये कोई बात नहीं सर, कंट्रोल करने की क्या बात है, ये तो शिद्दत की बात है। अगर आप चाहते हो जनता की सेवा करना तो आप जरूर भारतीय जनता पार्टी में रहोगे। अच्छा, और अगर आप नहीं चाहते तो नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा उमा मैडम आप जो बात करिए, मेरे को कुछ और आकलन भी दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा हो? आचार संहिता बिल्कुल इसमें हो सकता है ना, बिल्कुल इसमें हो सकता है। और देखिए, जिस तरीके से हरक सिंह रावत जी ने पिछले 6 महीने से बीजेपी को बिल्कुल अपने इशारों पर नचा रखा है, बराबर मोदी जी भी उनके कंधे पे हाथ रखकर बात करते हैं और अमित शाह जी भी उनको खाना खिलाते हैं, धामी जी के यहाँ वो खाना खाने पहुंचते हैं, डिनर डिप्लोमेसी होती है, सब लगता है कि ठीक हो गया, उसके बाद अचानक 4 दिन बाद पता चलता है कि अभी ठीक नहीं हुआ, अभी फिर कुछ गड़बड़ रह गई। तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी अंदर से बहुत ज्यादा उद्वेलित हैं और उनकी जो बात वो मनवाना चाहते थे वो बीजेपी नहीं मान रही है, तो उनके पास वापस कांग्रेस में जाने के सिवा मुझे लगता नहीं कि कोई चारा बचा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिलवाना अपने नाक का सवाल इस समय बना रखा है, जो हमें महसूस होता है, क्योंकि बराबर उन्होंने एक बार कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सीमा मैडम, उन्होंने परिवारवाद नहीं होता
नहीं देखिए परिवारवाद तो इनका क्यों नहीं होता, खूब होता है। अब नेहा जोशी के लिए भी गणेश जोशी जी बोल रहे हैं कि टिकट चाहिए, यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र तो वहां पर रहे ही हैं। कैंट में विधायक हमारे माननीय हरबंस कपूर जी के बाद कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ को टिकट देने के पूरे चांसेस हैं और हो सकता है मिल भी जाए। और हम लोग अगर देखें प्रकाश पंत जी की पत्नी को आपने टिकट दिया, थराली विधानसभा में जो दिवंगत हुए हमारे विधायक उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया, सुरेंद्र सिंह जीना के भाई को आपने टिकट दिया, तो ये कहना बीजेपी का कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, तो इस बात को तो ये सारे उदाहरण बिल्कुल डिनाय करते हैं। लेकिन वो हरक सिंह रावत जी को पुत्र वधू को टिकट देकर और साथ में चार पांच छह और विधायकों को टिकट देकर उनको मजबूत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हरक सिंह रावत जी खुद भी चार पांच मुझे ऐसा महसूस होता है जो भी उनके करीबी हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं टिकट के लिए, लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर हरक सिंह रावत जी के कहने पर ये सारे टिकट दे दिए गए तो हरक सिंह रावत जी मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद अगले कुछ टाइम के बाद इनको रोकना भारी पड़ जाएगा। ये उसके बाद जो एक मिनट में आपके सामने पूछवा देता हूँ, एक नाम लूंगा सबकी जुबान, एक नाम लूंगा बस, फिर देखिए हो सकता है कि सूरज जी अपना बंद कर लें और सीमा जी कहें नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नाम लूं उन पांच छह में से एक का ले लूं मैडम? सूरज जी एक तो हमारे ये उमेश शर्मा गाऊ जी भी ना 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 अभी सुनिएगा देखिएगा। सूरज जी जी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नाम सुना है? नाम सुना है? हाँ हाँ सुना है, सुना है। सीमा मैडम नाम सुना है? गलत नाम तो नहीं ले लिया? नहीं नहीं उमा मैडम रुकिए ना, देखिए ये चुप्पी ये चुप्पी लोबी के विधायक ये मैं वही जहाँ जाएंगे सब एक मिनट चैंपियन को कौन रोक पाया, कौन रोक सकता है, किसकी बिसात है वो यही कहते हैं। सीमा मैडम गलत नाम लिया आप तो मुस्कुरा गई। सूरज जी नहीं सर वो अपने अपनी मर्जी के मालिक है दादा, अपनी मर्जी के मालिक है ना, यही तो बात है। सूरज जी अब हिम्मत है तो एक बार बोल दो जो हरक सिंह रावत को लेकर बोला था कि ये माफी मांग ले, बोल सकते हो? नहीं क्यों नहीं बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए लोगों ने माफी मांगिए और फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में बोलिए। देखिए जिन लोगों ने 2016 में पार्टी को भेजूंगा चैंपियन साहब को, बोलिए। हाँ भेजिए आप भेजिए कोई दिक्कत तो नहीं, अरे आप भेजिए मैं भेजूंगा आप बोलिए तो सही। देखो जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है उन लोगों को अपने कृत्य पे माफी तो मांगनी चाहिए और बहुत से लोगों ने मांगी है। नाम लेकर बोलो चैंपियन को माफी मांगनी चाहिए। नहीं चैंपियन क्या वो जितने लोग गए थे जिन लोगों ने 16 में चैंपियन कांग्रेस पार्टी को धोखा दे करके चैंपियन जो लोग गए थे वो निश्चित तौर पर जो है इनको संभालोगे, जिनका नाम नहीं ले पाए सूरज जी आप इनको संभालोगे? नाम नाम क्या है, ये नाम जितने भी नाम है ये कोई एक आध थोड़ा ही नहीं है, मैंने एक का नाम लिया ना। आप कह रहे थे हरक सिंह रावत को माफी मांगनी चाहिए तो मैंने आपसे पूछा कि चैंपियन को माफी मांगनी चाहिए तो बोलिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए चैंपियन को, क्यों नहीं माफी मांगनी चाहिए चैंपियन? क्या उत्तराखंड की जनता से बड़े हैं? देखिए उत्तराखंड की जनता ने जिन्होंने निर्वाचित किया है उनसे बड़ा कोई नहीं है, जनता सर्वोपरि है और जनता जिस पार्टी के लिए चुनती है उस पार्टी को अगर कोई छोड़ के जाता है तो निश्चित तौर पर उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो मतलब यही हुआ ना, और जनता अगर उनको माफ करके फिर सदन में भेज देती है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, इसका मतलब यही हुआ हुआ जी उत्तराखंड में तो यही हुआ ना। बिल्कुल मैं इसी बात को बोल रही हूँ कि जो कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड में आज तो भारतीय जनता पार्टी के 150 सांसद कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में हरक सिंह रावत जी और 150 सांसद कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं, पूरी राजनीति हमारी टिक गई है। तो मैं समझती हूँ कि क्या ये लोकतंत्र है उत्तराखंड में, जनता किस तरीके से इन लोगों को जिताती है जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, कभी ये कांग्रेस में कभी ये बीजेपी में, जिस तरफ इनको पलटा भारी नजर आता है, जिस तरफ इनको सीटों के बंटवारे नजर, अच्छा कि हमें यहाँ पर फायदा हो जाएगा तो चलिए इस ग्रुप में चलिए, आम आदमी पार्टी भी में भी एक बार अपनी अर्जी लगा देते हैं शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, नहीं मना कर दिया गया तो चलिए वापस कांग्रेस में चलिए। तो मैं ये समझती हूँ कि भाई कि इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनको चुनाव जीतना आता है, धन और बल की राजनीति से जीतना आता है, जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं, इनके जो मंत्रालय होते हैं उसमें इतने घोटाले पकड़े जाते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं,
इवन मुख्यमंत्री तक की भी हिम्मत नहीं होती कि इनके घोटालों पर आप इनको छेड़ सके, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो जिताऊ शब्द जो है, ये मैं समझती हूँ कि हमारे लोकतंत्र के लिए अब खतरा होता जा रहा है, जनता के लिए खतरा होता जा रहा है कि वो जीतने वाला होना चाहिए, चाहे वो किन प्रकार किसी भी तरीके से जीते, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। सीमा मैडम, बीजेपी के जो सैनिक हरक सिंह रावत को लेकर, खैर मैं एक और विषय पर आ रहा हूँ सीमा जी, उदाहरण के तौर पर मुझे समझाइएगा, क्योंकि मेरे को राजनीति का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाह रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मुझे ये समझाइए कि आप एक मंत्री हैं, मान लीजिए आप एक मंत्री हैं और आपका एक करीबी कांग्रेस में शामिल हो गया, विपक्षी पार्टी में, कांग्रेस में, आपने अपने करीबी को विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिलवा दिया, एक नहीं दो दो को दिलवा दिया, आप वहीं पर उसी पार्टी में मौजूद रहकर कैसे मैनेज करेंगे उनको जितवाने के लिए, क्योंकि वो जो कैंडिडेट होगा सामने वाला विरोधी वो तो आप ही का सहयोगी होगा। मेरे सवाल को समझे आप मंत्री हैं, आपने अपने करीबियों को टिकट दिलवा दिया दूसरी पार्टी में, समझिएगा मेरा इशारा कहां है, समझ गई, जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग की है मैडम ने उनको टिकट दिलवा दिया, सोचिए मसूरी में, उदाहरण के तौर पर मसूरी में, उन मैडम को मसूरी में दिलवा दिया और फिर गणेश जोशी जी चुनाव लड़ेंगे तो आप किसको जितवाने के लिए प्रचार करेंगे, अपने करीबी को या फिर गणेश जोशी जी को, किसको? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जनता का होगा, नहीं मैनेजमेंट की बात, क्योंकि वोट तो मैनेजमेंट, आपकी पावर बता रहा हूं मैं, मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप एक ही विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते, आपको मालूम है कि चुनाव जीतते कैसे हैं, समझे, आप अपने साढ़ू भाई को भी चुनाव में हरा देते हैं, आप अगली बार दूसरी विधानसभा को चुन लेते हैं, तो मेरा यह कहना है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपको मालूम है कि चुनाव जीतना कैसे है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? धर्म संकट, डेफिनेटली इस चीज को रोकना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, धर्म संकट हो गया ना मैडम। अब अगर आप इतना ज्यादा आप आवाज उठाते हो तो मैं ये कहती हूँ कि आज को जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ इस चीज की, कि जनता को जागरूक करे कि इस तरीके के लोगों को वो क्या गेम है पूरा का पूरा, वो उसको समझना पड़ेगा मैडम, जिम्मेदारी इसके कार जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता है वो काम नहीं कर पा रहे। आज सीमा मैडम धर्म संकट में फंस गई, सीमा मैडम धर्म संकट, इसका जवाब मुझे देने दीजिए, बोलिए उमा मैडम। देखिए अगर ये संकट आता है और ये स्थिति हरक सिंह रावत जी के सामने आती है तो बिल्कुल सोनिया आनंद जी को जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोनिया आनंद जी उनका परिवार है। और रही बात बीजेपी को जिताने की, तो बीजेपी में मौका परस्ती में आए थे, उनको कोई बीजेपी से बहुत लगाव नहीं है, वो तो कभी भी उठ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी में हूँ या मैं कांग्रेस में हूँ, तो किसी विचारधारा के वो व्यक्ति नहीं है। हाँ वो अपने परिवार के लिए और अपने करीबियों के लिए वो बिल्कुल उनके पीछे संबल बन के खड़े हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने परिवार और अपने मित्रों को जिताने की कोशिश करेंगे जिनके कहने से उन लोगों को टिकट मिला है। तो हरक सिंह रावत जी पूरी तरह से अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ खड़े होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी हारे या जिसमें अभी वो है या कांग्रेस में जाने के बाद किसी को बीजेपी में जितवाना हो तो वो वहां पर भी जितवा सकते हैं। सूरज जी तो ये उनकी अपनी विचारधारा है। और सूरज जी सुनने में आया डिबेट छोड़ के चले गए, वो कह रहे हैं कि चैंपियन से माफी मंगवाई का एक क्लिप ना भेज दे तिलक चावला, कहीं चैंपियन साहब को क्लिप भेज दी तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे माफी मांगनी पड़ जाएगी, शायद वो इसलिए डिबेट छोड़ गए। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, सूरज जी आप आना चाहे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, मैं तो सिर्फ पुरानी बिसरी बातों को याद दिलाना था। देखिए सीमा जी मुस्कुराकर किस तरह से बात को टाल रही है, लेकिन सीमा जी मेरा सवाल गलत तो नहीं था ना, मैंने उदाहरण भी तो मसूरी का ही दिया ना, है ना जी। देखिए मैंने तो स्पष्ट कर दिया, बेचारी सीमा जी नहीं बोल पाएंगे, वो अपनी पार्टी की एक प्रतिबद्ध सिपाही है, निष्ठावान सिपाही है, वो सीमा जी बोलना भी चाहे नहीं कर सकते। आज सीमा जी एक सीमा में रहकर ही बोल रही हैं, और मैंने तो लैंस डाउन का उदाहरण भी नहीं दिया, मैंने लैंस डाउन का भी उदाहरण नहीं दिया मैडम, मैं तो चाहता कि लैंस डाउन का भी उदाहरण दे सकता था, मैंने तो सिर्फ मसूरी का उदाहरण दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मसूरी में हमारे ऐसे सिपाही हैं जिनको हिलाना ही मतलब आप गिराना तो छोड़ हिला भी नहीं सकते मसूरी में। आपने मसूरी की बात की तो मैंने मसूरी की बात की। आज इतना डिफेंसिव क्यों हो रही है मैडम, सीमा मैडम अभी आपको यकीन है कि हरक सिंह रावत नहीं जाएंगे? जब तक किसी चीज की पुष्टि ना हो जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। तो ये चुनावी आचार संहिता का इंतजार तो नहीं कर रहे कहीं?
इसमें क्या कह सकते हैं, जब कुछ किसी चीज की पुष्टि हुई नहीं है तो क्या बोला जा सकता है। अच्छा, ये अफवाहें जो फैल रही हैं, मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, हरक सिंह रावत जी का, उन्होंने कोई इसको लेकर ना पुष्टि की ना खंडन किया, साइलेंट हैं, साइलेंट। आपको लगता कि उनको इस बात का खंडन करना चाहिए? उनकी थोड़ा सा राजनीति अपने चलाने की स्टाइल अलग है, है सीमा मैडम, तो वो चुप रह के, मैंने कहा थोड़ा सा उनका स्टाइल अलग है राजनीति करने का। नहीं, मेरे तो, सहयोगी पीसीआर में कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे सहयोगी कंफ्यूज कह रहे सीमा मैडम की आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा उनसे बोलिए तेज बोले। मैं वो आज धीमे बोल रही है, मेरे सहयोगियों को बता दूं, वैसे सीमा जी धीमा नहीं बोलती है। सीमा जी कुछ कह रही है आप? नहीं, मैं कह रही हूँ उनके थोड़ा सा राजनीति करने का स्टाइल अलग है, हरक सिंह रावत का, हरक सिंह जी, तो वो अगर वो चुप है तो इसमें अगर उन्होंने डिनाई नहीं किया या कर दिया है तो उसमें चुपी है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आपको लगता है कि हरक सिंह रावत, लेकिन अभी उन्होंने ये भी नहीं बोला था, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे, उन्होंने ये भी नहीं कहा, नहीं तो उन्होंने ये भी नहीं कहा ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भी नहीं कहा ना। अब दोनों चीजें, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि छोड़ चुके हैं? नहीं तो मैंने तो कहा ही नहीं कि वो छोड़ चुके हैं, मैं तो दिखा रहा हूँ क्या वो बीजेपी छोड़ने वाले, मैं ये दिखा रहा हूँ मैडम। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिन पहले बल्कि मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने बहुत अच्छे से उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं क्या कह सकती हूँ आपको, 2016 में उनके बहुत करीबी थे, जब मेरे पास ये खबर आई कि ऐसा कुछ होने वाला है सदन के भीतर, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हरक सिंह रावत, उनका ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूं उनको, कल ही तो मेरी बात हुई, कल ही बात हुई, और उससे एक दिन पहले ना विजय बोगड़ा गोविंद सिंह कुंजवाल के कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर निकले थे, मुस्कुराते हुए, विधानसभा का सत्र चल रहा था, एक दिन पहले की बात बता रहा हूं मैडम, घटना एक दिन पहले की। फिर कह रहा हूं हरक सिंह रावत की गारंटी मत लीजिए। मैं फिर आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर भी हरक सिंह रावत एंड टीम, एंड टीम, उनके जाने से बीजेपी को कोई लॉस नहीं होगा अगर जाते हैं तो? देखिए, फिर से मैं ये बात कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है विकास और मोदी जी के दम पे, किसी एक पर्सनल इंसान के दम पे नहीं जीतती। अच्छा, जो विधायक हमने विकास किया है, हमने हमने कार्य किया है, बिल्कुल मोदी जी के नाम पे हमने हमेशा जीता है, और हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इतना कार्य कर दिया, इतना देश को आगे लेकर चले गए, देश क्या पूरे विश्व में भी उनके डंका बजता है। धामी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, आपने क्लियर कर दिया कि हम पीएम के चेहरे पर लड़ रहे हैं। देखिए, नहीं बिल्कुल, धामी जी यहाँ तो धामी जी है ना, डबल इंजन है ना, तो एक इंजन तो है ही ना दिल्ली वाला। जी 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 जी, ओके उमा जी, फाइनल कमेंट आपका। सरकार है तो धामी जी तो हमारे हैं जी। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इस समय हरक सिंह रावत जी पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए हैं बीजेपी के ऊपर, और चूंकि हरक सिंह रावत जी एंड टीम एक जिताऊ कैंडिडेट्स की टीम है, जिताऊ उम्मीदवारों की टीम है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी झुकेगी और बीजेपी इन लोगों को मैनेज करेगी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे और बीजेपी कहीं ना कहीं इन लोगों को मैनेज करेगी, जो इनकी बात है अगर 100% ना मांगे। नहीं उमा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यूपी की तरह यहां पर भी ईडी और सीबीआई कुछ इस तरह हो सकता है, आईटी कुछ, आपको ऐसा लग रहा है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी इनको मैनेज करेगी, क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है इस बार बीजेपी के लिए, 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं कांग्रेस। आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी आईटी के छापे लग सकते हैं? नहीं बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी करके मैनेज तो होना है, चाहे साम दाम दंड भेद। अमित शाह जी बहुत शातिर खिलाड़ी है राजनीति के, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे इनको, साम दाम दंड भेद समझा दिया, बता दिया, नहीं मान लो तो फिर उसके लिए दंड के लिए भी भागीदार हो जाओ। और क्योंकि इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो एक बार वो कहना, जैसे मायावती के लिए बात चली थी ना कि मैडम या तो यहीं रह लो नहीं तो बुढ़ापा जेल में भी कट सकता है, ये बातें भी एक बार राजनीतिक गलियारों में घूमी थी। क्यों चले नहीं गए भाजपुर वाले, चले नहीं गए वापस? तो ये झटका तो ऑलरेडी बीजेपी झेल चुकी ना, उसके बाद तो बीजेपी को भी लग रहा होगा कि यार ये भी अगर नहीं चले गए तो बीजेपी इस बार सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके मैडम। क्योंकि सारे जिताऊ कैंडिडेट हैं, जितने भी लोगों के आपने अभी नाम लिए सारे ही जीतिंग कैंडिडेट्स हैं। जी जी, ओके मैडम। मैंने खानपुर का नाम किसी और वजह से भी लिया था,
उसके पीछे की कहानी कुछ और भी नहीं है। जो भी है कानपुर चाहे किसी भी वजह से लिया, लेकिन वो जीतते हर बार है, उनकी रियासत है, वो जीतते हैं, वहाँ पे जनता उनको पसंद करती है। नहीं, आज का वहाँ भी कुछ स्टिंग चल रहा है मैडम, वहाँ भी कुछ स्टिंग चल रहा है, बहुत स्टिंग। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा मैडम, आप यूं ही मुस्कुराते रहें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। उमा मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज विषय कुछ अलग था, लेकिन इस पर मुझे यकीन था कि आप लोग चर्चा में जब शामिल होंगे तो अपनी बात को बिल्कुल बेबाक अंदाज से रखेंगे, लेकिन सूरज सिंह नेगी जी पता नहीं क्यों चर्चा चैंपियन के नाम पर सुनकर छोड़ के चले गए। खैर, लेकिन हरक सिंह रावत की गारंटी फिलहाल बीजेपी भी नहीं ले रही, कांग्रेस भी नहीं ले रही, गारंटी उनके क्षेत्र की जनता भी नहीं ले रही। अब हरक करेंगे क्या? क्या वाकई हरक का गेम प्लान बिल्कुल साफ है कि चुनावी आचार संहिता लग जाए उसके बाद दाव खेला जाए, या फिर बीजेपी अपने दाव से उनके दाव को चित कर देगी? अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन ये उत्तराखंड की सियासत है, अभी कई घुमाव बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।